शहर का विकास भी होता है, पैसे की कीमत भी बदल रही है, रुपए पैसे की कीमत भी बदल रही है, करेंसी भी चेंज हो रही है, लगातार होती रही है और ये होगी निश्चित है। लोग शहर में रोजगार करने के लिए आ रहे थे, आए रहे हैं और आते रहेंगे। बिना प्लानिंग के शहर बसा 15 साल पहले, लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं इंदौर में आई। आज मध्य प्रदेश का ये इंदौर शहर, मेरी ये कर्म भूमि पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। औद्योगिक राजधानी किसकी वजह से? राजवाड़ा की वजह से नहीं है, औद्योगिक राजधानी है, बहुत बड़ा निवेश क्षेत्र, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो पिछले 25-30 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ। बहुत सारे नए लोग शहर में आते रहे, आप में से भी बहुत सारे लोग इसी बीच में आए होंगे। साथियों, अगर हम इस शहर में आए हैं, अगर हम इस शहर में इंडोर हुए हैं, या बहुत सारे लोग अगर इस शहर में इंडोर हुए हैं, तो ये निरंतर क्रम जारी है। बिना प्लानिंग के इतना बस गया तो अब आपको हमारे एग्जीक्यूटिव के माध्यम से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में पूरा पता होगा। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया आज DMIC में लिया जा चुका है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है, और विकास होने में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे 1987 में दिल्ली के पास एक गांव में एक चार पहिया कार बनाने वाली कंपनी ने अपना प्लान डाला था। कोई समझ पाया किस कंपनी की बात कर रहा हूं? दिल्ली के पास गांव में एक कार बनाने वाली कंपनी ने अपना प्लांट एस्टेब्लिश किया था, जिसको हम मारुति इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाए, वो गांव में ही था, गुड़गांव, जो सच में गांव हुआ करता था तकरीबन 30 साल पहले। आज अगर आम आदमी अपनी जमीन, अपना एक छोटा सा प्लॉट का हिस्सा खरीदने के बारे में सोचने का मुझे नहीं लगता कि वो ख्वाब भी देख सकता है, लेकिन ये संभव था 20 साल पहले। 20 साल पहले अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव जो कुछ पॉलिसी बेचा करते थे, जो कुछ म्यूचुअल फंड बेचा करते थे, अगर उन लोगों ने आम आदमी को गुड़गांव में 1,000 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट दिला दिया होता, तो आज 20 साल पहले का वो आम आदमी उस प्रॉपर्टी की वजह से करोड़पति होता। हमने यही किया है, हम यही करने जा रहे हैं, हम ये कर चुके हैं।